नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं अगर आपको बल, बुद्धि या ज्ञान चाहिए तो आप भगवान गणेश की उपासना और उनका व्रत कर सकते हैं। ऐसे आपको ज्ञान, बुद्धि और आपको समृद्धि तीनों ही आपको गणेश भगवान से आशीर्वाद के रूप में मिल सकती हैं। वैसे गणेश भगवान को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हर देश में, हर राज्य में गणेश भगवान की पूजा अपने अपने तरीके से की जाती है, लेकिन करते क्यों हैं? सिर्फ अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। गणेश विसर्जन तो आपने ज़रूर सुना होगा। गणेश विसर्जन में गणेश भगवान के लिए आप अलग अलग तरीके से भोजन बनाते हैं, अलग अलग तरीके से अपनी अपनी विधियों को निभाते हैं, अलग अलग सामग्री भी लेकर आते हैं और गणेश की पूजा और उपासना करते हैं सिर्फ अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। गणेश चतुर्थी के बारे में आपने सुना है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का बहुत हर्षोल्लास से उनका पूजन किया जाता है। कहते हैं इस दिन पूजन करने से और उनका विसर्जन 11 दिन के बाद होता है। गणेश चतुर्थी के दिन पूजन भी बड़े हर्षोल्लास से किया जाता है और उसका समापन भी। आप जानते हैं गणेश के 11 नाम हैं। 11 नामों के बारे में आप जानिए मेरी इस वीडियो के दौरान। पहला नाम है गणपति। गणपति जी का अर्थ होता है गणों से रहित। आप तो सभी जानते हैं गणेश जी सभी कामों में सबसे ज़्यादा उत्तेजित थे और सबसे ज़्यादा होशियार भी थे। गणेश अपने ही रूप में बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो कभी किसी ने किए ना हो। नंबर 2, गजानन। गजानन के नाम से आप जैसे ही जानते हैं, जैसे गणपति के धर पर हाथी का सर रखा हुआ है, इसलिए उनका नाम गजानन पड़ा। नंबर 3, मंगल मूर्ति। कुछ लोग कहते हैं कि मंगल इसलिए भी कहा जाता है गणेश भगवान को, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं वहाँ मंगल कार्य शुरू हो जाता है और मंगल मूर्ति के नाम से सभी नकारात्मक चीज़ें भी घर से दूर हो जाती हैं, तो यही कारण है गणेश भगवान का मंगल मूर्ति नाम होने से। नंबर 5, बकरटूंड। बकरटूंड भी नाम इसलिए गणेश भगवान का पड़ा है क्योंकि गणेश भगवान के धर पर सर हाथी के बच्चे का लगा हुआ है, इसलिए उनका नाम बकरटूंड भी है। नंबर 5, सिद्धि विनायक। कहते हैं भगवान गणेश को सिद्धि विनायक भी कहते हैं क्योंकि वह भक्तों के सारे सुख और दुख सब अपने आप में समेट लेते हैं और वह घर में खुशियां लेकर आते हैं, इसलिए भी गणेश भगवान को सिद्धि विनायक कहा जाता है। नंबर 6, गणेश भगवान का नाम विनायक भी है। विनायक इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सारी बाधाएं अपने आप में समेट लेते हैं, इसलिए उनका नाम विनायक भी पड़ा है। नंबर 7, यज्ञनायक। भगवान गणेश का इन नामों में यज्ञनायक एक और नाम है, जिस नाम से भगवान गणेश अपने भक्तों की इच्छा और कामनाओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए भगवान गणेश का नाम यज्ञनायक भी पड़ा है। नंबर 8, पीताम्बर। कहते हैं भगवान गणेश पीले वस्त्र में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उनका नाम पीताम्बर भी पड़ा है। कुछ लोग पीताम्बर के नाम से पुकारा भी करते हैं। नंबर 9, नंदना। भगवान गणेश को नंदना नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि भगवान गणेश का नाम यह उनके पिता यानी कि शिव के पुत्र होने के कारण ही उन्हें प्राप्त हुआ है। नंबर 10, प्रथम मेश्वर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रथम आने वाला कार्य, जो भी कार्य किया जाता है वो भगवान गणेश से ही शुरुआत किया जाता है, इसलिए उनका नाम प्रथम मेश्वर भी पड़ा है। नंबर 11, ओंकारा। जैसे कि नाम की परिभाषा से ही पता चल रहा है कि भगवान गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए भी भगवान गणेश का नाम ओंकारा ही पड़ा है। ये थे वह नाम जो भगवान गणेश के हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।